जाना है। और कुछ समय बाद ये भागवत कथा यहाँ पर विराम ले लेगी, अपने कर्तव्य स्थान को ये भागवत चली जाएगी। जो हमारे शास्त्र कह चुके हैं, नीति नीति कहकर के हमारे महापुराण भागवत कभी विराम नहीं होती है, जहाँ समाप्त तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है। तो बहुत भावुक के पल है, और क्या कहते हैं आगे, खुशी खुशी जाना पितरो कुछ ही क्षणों में इस प्रकार बताया कि मोती की माला से बिखर जाएगी। अब जो है श्री अपने अपने ग्रस्त कार्य को 7 दिन तक लग्न भागवत श्रवण श्रवण करता, जितने भी आज से सब अपने अपने गंतव्य को चल जाएंगे, अपने ग्रह कार्य को चल जाएंगे। और यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष प्रदान करता हूँ राजपीत से, कि आपने जो है अपनी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पुरानी और 7 21 पीढ़ियां ताजे ये भागवत कराना हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बात नहीं। ये ऐसा पुराण है जिसके करने के उपरांत जो है मोक्ष के द्वार इसे बताए गए हैं। और आप लोगों के साथ जो स्नेह प्रेम जो 7 दिन के अंतर्गत रहा,
आज वो यहीं छूट जाएगा। दिल की बात है कि 7 दिन का पता नहीं लगा, 7 दिन कब गुजरे हमें खुद पता नहीं लगा। ऐसा लगा कल आए और आज हम जा रहे हैं, हमें 7 दिन का पता नहीं लगा है। क्योंकि आप लोगों ने लगने नहीं दिया। आप लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है, परमात्मा के प्रति जो भक्ति है, उसने इतना संलग्न रख रखा था कि आप जो है 7 दिन का पता नहीं लगा। और क्रमबद्ध प्रार्थना भी और एक प्रकार से व्यास पीठ से प्रवचन भी है, एक वचन भी है कि जिंदगी में सत्कर्म और प्रभु नाम हरि जप जो है सदैव करते रहना। महाराज जो आपके पितर होंगे उन्हें आज वैकुंठ प्राप्त हो चुका है। आज वो मनुष्य ही नहीं, आज वो पितर भी आपकी जय जयकार कर रहे हो, जिन्हें आपने बुलाया, आपने यहाँ न्योता और भाव से उन्हें पूजा। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं के पात्र हैं। ऐसा मौका ना जाने कब मिलेगा, लेकिन परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही सत्कर्म करती रहे, जीवन में परमात्मा नाम स्मरण करते रहे। अब हमारे जो हैं इस भागवत पंडाल में जिन्होंने सभी देवताओं को आगाहित किया, हमारे विप्रगण आचार्य ने, हमारे विपिन लखेड़ा जी जिन्होंने सभी मंत्र उच्चारणों से जो है सभी देवताओं को आवाहित किया, ब्रह्मा में सौरभ नौटियाल जिन्होंने देवताओं को पत्र पुष्प फूल चढ़ाकर आपको बताया कि कहाँ पर बात धुलाने हैं, कहाँ पर हाथ धुलाने हैं, कहाँ पर मुख आचमन कराना है। आपके मनीष उनियाल भाई जी जिन्होंने अपने यथाशक्ति से, अपने मंत्रों से, अपने वेद उच्चारण से आपके पितर और आपके देवताओं को आने के लिए यहाँ पर इतना मजबूत कर दिया कि प्रभु को आकर इस कथा में विद्यमान होना पड़ा।